गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी ग्रामर में पार्ट आठ रीड करेंगे। ओके, पार्ट आठ है विशेषण। विशेषण मीन क्या होता है? जब हम किसी की अच्छाई या बुराई, गुण या दोष बताते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं विशेषण, या किसी की विशेषता बताते हैं कि उसमें क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है ना। यह चीज़ कैसी है? मोटी, पतली, लंबी, छोटी, ठीक है, सुंदर, ठीक है, ये सब क्या होती हैं? विशेषता, किसी भी चीज़ की विशेषता, तो ये कहलाता है विशेषण, ठीक है। देखिए, पहले डेफिनेशन कीजिए, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, ठीक है। किसकी? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता मीन क्या होता है? क्वालिटी, है ना, हम उसके बारे में कुछ बात बता रहे हैं, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाती है? विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे यहाँ पर दिया है ना, यह मेज कैसी है, तो यह मेज कैसी है, इसके बारे में पूछ रहे हैं, कैसी है मेज? गोल है, ठीक है। यह स्त्री कैसी है, यह स्त्री कैसी है बताइए, इसके आंसर दिए ना, सुंदर, ठीक है, स्त्री कैसी है? सुंदर, ठीक है। कितने बच्चे खेल रहे हैं, कितने बच्चे खेल रहे हैं? 1, 2, 3, यानी कि 3 बच्चे, ठीक है। इस बर्तन में कैसा पानी है, तो यानी कि इसकी हमने विशेषता बतानी है ना, कैसा पानी है, गर्म या ठंडा, कैसा पानी है इसमें? गर्म पानी है, ठीक है। फूल का रंग कैसा है, कैसा है फूल का रंग बताइए, इसकी विशेषता लाल है, ठीक है, कैसा रंग है फूल का? लाल। ओके, मेज की बनावट, स्त्री का सुंदर होना, बच्चों की संख्या, पानी का गर्म होना, फूल का रंग लाल होना, इन चीज़ों की विशेषताएं हैं, ठीक है। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, ठीक है। ये इनके बारे में बता रहा था ना, ये शब्द इनके बारे में बता रहे थे कि गोल, टेबल कैसा है? गोल है। औरत कैसी है? सुंदर है। बच्चे कितने? 3, ठीक है, तो उनके बारे में बता रहे हैं, ठीक है, तो ये विशेषण कहलाएगा। उनकी विशेषता बता रहे हैं ना, पानी गर्म है, ठीक है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ओके, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक एंड सर्वनामिक, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं विशेषण? 4 प्रकार के होते हैं, ओके। देखिए, गुणवाचक क्या होते हैं, ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष बताए उन्हें गुणवाचक कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे अच्छा, बुरा, मोटा, लंबा, पतला, ऊंचा, गहरा आदि, क्या करते हैं, जो संज्ञा के या सर्वनाम के गुण और दोष बताते हैं, अच्छाई और बुराई बताते हैं, ठीक है, अच्छा, बुरा, मोटा, लंबा, पतला, ऊंचा या गहरा, ठीक है, इत्यादि और भी हो सकते हैं, ठीक है, वह कहलाएंगे गुणवाचक विशेषण, ओके। अब संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताएं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 2, 3, 4, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, 8, 10, 12, ठीक है, इत्यादि। संख्या में तो साफ पता चल रहा है ना, संख्या माने संख्यावाचक, जिसमें क्या होगा, संख्या बताई जाएगी, ठीक है। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था ना कि यह कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे थे? 3 बच्चे, है ना, तो 3 बच्चे खेल रहे थे,
आया ना वहाँ पर संख्या तीन, तो संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है परिमाण वाचक, जो शब्द किसी चीज का नाप या तोल बताए उन्हें परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 1 लीटर, 5 लीटर इत्यादि। ठीक है, क्या होता है जिससे हमें किसी का नाप या तोल का पता चलता है। ठीक है, जो शब्द किसी भी चीज़ का नाप बताए, जैसे 1 लीटर दूध, ठीक है 5 लीटर, ठीक है 5 लीटर दूध तेल, ओके, और 5 मीटर कपड़ा, ओके, तो ये क्या कहलाएंगे, परिमाणवाचक। फिर है सार्वनामिक विशेषण, जो शब्द किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जो शब्द माने किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत मीन इशारा करते हैं, है ना, जैसे यह कमरा, वह गाड़ी आदि। जैसे हम बोलेंगे ना, यह कमरा मेरा है, वह गाड़ी उसकी है। ठीक है, तो यह कमरा यानी कि उससे पहले हमने क्या करा, उस पर इशारा करा कमरे की ओर, है ना, क्या किया हमने, इशारा किया। और वह गाड़ी, वह भी हमने क्या करा, उसके लिए इशारा किया, संकेत दिया, है ना, तो वह कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। ओके, आप सबको समझ आया ना, वेरी गुड। ठीक है, विशेषण किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं विशेषण, 4 प्रकार के। ठीक है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। ओके, 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। ठीक है, आप सबने इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और समझना है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।